मार्केट सारे नूं पता है, मैं आशिक ही उन्हां दे। किन्हां दा? नवा बाबे नवाज शरीफ दा। हमें ईमानदार और सच्चे लोग चाहिए बस। कौन है वो? हैं बंद है बेचारे, नाम भी ले। हर सबको पता है हमारा शेर बंद है, खोल के देख लें। हम ऑफ कोर्स मरियम नवाज लेडी, हमारी मरियम नवाज हमारा लीडर जो है। इमरान खान की तरफ से कोई भी खड़ा हो गया ना, कोई भी खड़ा हो गया पीटीआई की तरफ, वोट उसका है। मैं इधर डिस्काउंट दे रहा हूँ हर एक को, जो कहते हैं ना मैं पीटीआई को वोट देना, मैं 100 रुपये उसका डिस्काउंट देता हूँ। ये बाहर के मुल्कों में भागी हुई है, इधर इन्होंने कुछ नहीं करना, गरीब को दे रहे खाने के लिए, नहीं हम खुद काम कर रहे हैं। किसी को भी नहीं, कोई लायक ही नहीं किसी को वोट दिया जाए, सारे चोर बैठे हैं। हमें कोई कुछ नहीं देता, ये इमरान खान आया तो अच्छा लगा भाई, इसलिए उसको वोट देंगे हम। वोट लेते हैं अपने घरों में चले जाते हैं, ये इतनी गरीब आम जलीलो ख्वार हो रही है, अब तो पुलिस वाले भी साथ हैं, तुम्हारा बंदा क्या करें। वोट पार्टी का नहीं है, वोट खान का है, खान का है, ओनली वन मैन आर्मी। वो होश के नाखून लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने इतनी बड़ी हस्ती बनाया उनको, तो गरीबों के लिए भी कुछ करें ना। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज अलर्ट के साथ मैं हूँ वाजिद खान। नाजरीन आज हम मौजूद है पीपी 150 में, जहाँ से सनम जावेद और मरियम नवाज जो कि इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, आए लोगों की राय दे हैं कि कौन किसको वोट देता है। मरियम नवाज का के सनम जावेद को वोट दे रहे हैं? नहीं सर, हम बात लीडर का नाम नहीं ले, आप पूछे कौन क्वालिफाइड है जिसको वोट डालने का हक है। चलो किन को हक है? एक वो जो बूढ़ा ना हो, कोई उसमें क्वालिटी होनी चाहिए ना, बूढ़ा ना हो, इस मुल्क को चलाने वाला हो, दिल का मरीज तो बिल्कुल ना हो कि उसको हर 6 महीने बाद लंदन सर्जरी कराने जाना पड़े, और ट्रांसजेंडर तो होने नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें ईमानदार और सच्चे लोग चाहिए बस। कौन है वो? है बंद है बेचारे, उन्होंने कहा था 40 यहूदियों को बंद कर दे, क्या हाल करेंगे, कर दिया ना, आज कोई बोलता है इनमें से? आप शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे, थोड़ी वजाहत से बताएं। बहुत वजाहत से बता रहा हूँ, थोड़ी एक नाम भी ले। हर सबको पता है हमारा शेर बंद है, खोल के देख लें। अच्छा हाँ जी, एक दफा खोले तो सही, सिर्फ नाम ले दे उसका, चेहरा बाहर निकाल दे, शेर बाहर है। हम ऑफ कोर्स मरियम नवाज। मरियम नवाज को क्यों? उनमें इतनी समझ ले के अहमियत है कि वो मुल्क संभाल सकती हैं अपना, उनको बात करने का तरीका, हर चीज़ करने का तरीका है। एक देखें, एक हमारे मुल्क की लेडी, हमारी मरियम नवाज हमारा लीडर जो है, वो हमारे हलके के लिए, देखें ना उनके वालिद साहब कितने पीछे गए थे, अपने वालिद साहब को आगे लेके आई है, कोई लड़की खड़ा करके दिखाएं कोई करती है इतना ज़्यादा, और उनको मुल्क संभालने का भी पता है जो उन्होंने करना। आज से हम 4 साल पहले जाएँ ना, तो हम इधर हमारी मेरी शॉप है पीछे, हम बहुत तरक्की करते थे इधर, हमारा काम चलता था, कोई डोला नहीं होता था, कुछ नहीं, अबल गरीब भी खुश था इस दौर में, ठीक है। हमें ये चाहिए कि हम अपने नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को ना देखें, ठीक है। हमारे मुल्क में ये जितने रोड बने हैं, हर चीज़ बनी है, किसने बनाए हैं? हमारा लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाए हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको ही इस मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, और वो आएगा और ये वाम खुद कहेगी कि उसने मुल्क को दोबारा आके वही मुल्क बनाया जो 2019-2018 में था। और ये मरियम नवाज के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? मरियम नवाज के लिए यही पैगाम है कि अल्लाह पाक उनको इससे भी ज़्यादा बुलंदी दे और इज्जत दें, और इस मुल्क की हिफाजत के लिए तंदुरुस्ती दे और सारा कुछ दें, ये मेरा पैगाम भाई। बोर्ड बल्लेदा बल्लेदा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने तो पहले ही कह दिया है जी, पूछने की जरूरत नहीं है, इधर जिससे पूछेंगे सब कहेंगे आप क्यों पीटे। यार आपको नहीं पता, आप हमसे पूछ रहे क्यों, हर मीडिया के बंदे को पता है क्यों, तो अब बता देना थोड़ा सा। बतानी नहीं है, मैंने इधर काम करना, मुझे उठा के ले जाएंगे आपको। नहीं उठाते, और सर इतने बंदों, बड़े बड़े बंदों को उठा लिए, मुझे नहीं उठाएंगे क्या? सनम जावेद के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? उन्होंने जेल से ये पैगाम दिया है कि मैं इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शन लड़ने इसी हलके से। इन किसने? इमरान खान ने जी, इमरान खान की तरफ से है ना वो। हाँ जी, तो इमरान खान की तरफ से कोई भी खड़ा हो गया ना, कोई भी खड़ा हो गया पीटीआई की तरफ, वोट उसका है। मैं इधर डिस्काउंट दे रहा हूँ हर एक को, जो कहते हैं ना मैं पीटीआई को वोट देना, मैं 100 रुपये उसका डिस्काउंट देता हूँ। खसूसी डिस्काउंट है जो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, ये भाई बेल्ट बेच रहे हैं यहाँ पे, कितना डिस्काउंट है वैसे, क्या रेट है? अगर किसी चीज़ का 1000 रुपये, मैं उससे 900 रुपये लेता हूँ, और कह के देता हूँ कि आपने पीटीआई को वोट देना, कहते हैं हाँ जी पक्का वादा, जहाँ 100 रुपये छोड़ दिया। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, किसको वोट देंगे भाई की, आपने बात सुन भी ली होगी? मैं नहीं किसी को वोट दूंगा। क्यों? बस देख लिए, बहुत देख लिए, बस ये भी नहीं डालना वोट। इस बार तो होगा ना थोड़ा बहुत, पता नहीं, देखेंगे अगर जब आएगा तो। अभी तो दे, अगर डिस्काउंट के खातिर, डिस्काउंट के खातिर वोट डालना है, डिस्काउंट के खातिर डाल देंगे इनको, फिर वोट नहीं डालना पड़ेगा। अभी से आप फायदा उठाने, तो फिर हुक्मरानों ने हमारा फायदा उठाना है। सनम जावेद को वोट दे रहे हो या मरियम नवाज को?
नहीं मेरा इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान को वोट, मौलाना को वोट दोगे इंशाल्लाह मौलाना के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। मरियम नवाज इस हलके से खड़ी है और सनम जवेद भी, उन्होंने जेल से जो पैगाम भिजवाए हैं वो इलेक्शन में उन्होंने जो कम्पेन में है उनके मुकाबले में मरियम नवाज के, किसको वोट दे रहे हो? पीटीआई को वोट दे रहे इंशाल्लाह। सनम जवेद को? जी। पहले देखा है सनम जवेद को? जी देखा हुआ। किस तरह की लगती है आपको? बस जिम्मेदार ही लग रहा है। ठीक है। अच्छा ओके। शुरू से ही दे रहे हो पीटीआई को? नहीं पीटीआई इंशाल्लाह पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसका? वोट इमरान खान का भेजा। इमरान खान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सनम जवेद को दे रहे हो या मरियम नवाज को? इमरान खान को। इमरान खान को दे रहे हो? सनम जवेद को नहीं दे रहे? उसे दे रहे। उसे ही दे रहे हो? नवाज शरीफ को क्यों नहीं दे रहे? नवाज शरीफ गंदा है। नवाज शरीफ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान आया, चलो दो साल आया, पर उसने बहुत बेहतर किया। ये जो चोर अवाम है ना, ये बाहर के मुल्कों में भागी हुई है। इधर इन्होंने कुछ नहीं करना, गरीब को दे रहे खाने के लिए। नहीं, हम खुद काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं देता। ये इमरान खान आया तो अच्छा लगा भाई, इसलिए उसको वोट देंगे हम। इतने तो मार्केट सारे नु पता है, मैं तो आशिक ही उन्होंने। किना दा? बाबे नवाज शरीफ दा। नवाज शरीफ दा? नवाज शरीफ नु ही। क्यों? ਹੋਰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦਾ ਅਮਰੂਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ 150 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 200 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਕੋ? किसी को तो देंगे। बता दें किसी को भी नहीं, कोई सलाह ही नहीं किसी को वोट दिया जाए। सारे चोर बैठे हैं, आपको पता ही है, माशाल्लाह हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल है, तो आपको इस चीज़ के नॉलेज है, हमसे ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ को। थोड़ा बहुत आइडिया हो तो हो ना उनको। वो सनम नवाज जो आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं? सनम जवेद। मैं तो उसका नाम ही पहले दफ़ा सुन रहा हूँ। वो कौन है, किस पार्टी की है? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ। वोट उसी का? वोट उसको दे रहे हो इंशाल्लाह? तो आप उसको जानते ही ना, अब नाम देख लिया, बता दिया। पीटीआई, पीटीआई वोट पार्टी का नहीं है, वोट खान का है। खान का है। ओनली वन मैन आर्मी। वोट एक अमानत है, किसी को दे देंगे, लेकिन इसको थोड़ा बहुत ज़हन में तो हो ना, जो अच्छा होगा, जो वैसे तो सारे अच्छे हैं, जो बेहतर लगेगा ना उसको दे देंगे। आपकी नज़र में कौन बेहतर है इस टाइम? सोचेंगे, अभी भी आप सोचेंगे, सोचने का वक्त नहीं है ना भाई। 8 फरवरी को इलेक्शन है, अभी सुबह थोड़ी है। नहीं, 8 फरवरी को है, आपने थोड़ा सोचा होगा, जो सोचा है वो बता दें। अभी कुछ नहीं सोचा। क्यों? अभी सोचेंगे अभी। तो अभी से सोच लेना, अभी आप सोच ले, इधर ही खड़े होके सोच ले, बता दें। इतनी जल्दी ये फैसले तो नहीं ना होते। अच्छा, ये बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला है। तरीके इंसाफ को मतलब लाइक तो मैं इमरान खान को करता हूँ, अगर इमरान खान को वोट करना हो, ये मतलब पीछे जो आप कह रहे हैं इनको नहीं मतलब लाइक करता, मैं सिर्फ इमरान खान को लाइक करता हूँ। उसकी मतलब जो उसका स्टेटस है ना, स्टेटस लेवल मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब ये धुंध भी, मौसम भी अच्छा हुआ, हम शॉपिंग करने आए, बहुत मज़ा आ रहा है, चिल करें, आप भी करें, हम भी करने दें। बाकी मैं टीवी पे आऊँगा ना, मैं देखूंगा भी आएंगे। ओके अल्लाह। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं दे रहा। क्यों? बस मर्जी अपनी अपनी, हर बंदे। नहीं, फिर भी थोड़ा बताएं ना देने का। हाँ, ये बताएं ना हमें, क्यों आप बताएं जरा। आपको नज़र तो आ ही रहा ना, ये देखें, ये कितने गरीब बंदे जलीलो ख्वार हो रहे हैं इधर, ये काम करने आते हैं, ये आज से काम तो नहीं ना हो रहा। तो ये किस तरह ठीक होगा? तो ये बड़े लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने ठीक करना ना, हमने थोड़ी ठीक करना। सर, उन बड़ों लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हो? क्या पता आपकी सुनी जाए। पैगाम तो यही है ना कि जो गरीब बंदा काम करता है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ये इतनी बड़ी मार्केट है, इधर कम से कम 1000 से ज़्यादा बंदा मजदूर है, वो पीस रहा है, वो किधर जाए, किसको बोले, कोई सुनता ही नहीं है। वोट लेने तो सभी आ जाते हैं ना, वोट लेते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। ये इतनी गरीब आम जलीलो ख्वार हो रही है, अब तो पुलिस वाले भी साथ हैं, तो माड़ा बंदा क्या करें। इधर रिजक कमाने के लिए आते हैं, फिर ऊपर से एलडीए पड़ गई, पुलिस वाले आ गए, ये 500 दे दो, 2000 दे दो, 3000, ये क्या ड्रामेबाजी। तो आपने पहले जिनको वोट डाले उनको पूछने पूछताछ के लिए? के लिए तो भाई हम कैसे पूछेंगे उनको, अब मिलने जाएंगे वो मिलते ही नहीं है, कैसे हम पूछेंगे उनको। हमारे सामने लेकर आए ना, हम पूछेंगे, अब लेकर आए तो खड़ा करें उनको ना, हम पूछेंगे। वो हमें क्या पता वो अमेरिका में बैठे हैं या यूरोप बैठे हैं, वो आम हमारी तरह आपकी तरह तो नहीं ना घूमते, तो कैसे पूछेंगे। आप नहीं पूछ सकते उनको, हम तो फिर ये काम से इंसान है। मतलब पैगाम तो दे, आपका ये पैगाम चला गया उनके पास? पैगाम तो यही है ना कि वो होश के नाखून लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने इतनी बड़ी हस्ती बनाया उनको, तो गरीबों के लिए भी कुछ करें ना, आवाम को रिलीफ दें। बस हमारी तो इतनी ख्वाहिश है कि ये जो काम कर रहे हैं इनको काम करने दें। मरियम नवाज आई हैं, इस हलके से खड़ी हैं,
उनको वोट दे रहे हो या सनम जावेद को? सनम जावेद को दे रहे। सनम जावेद को दे रहे हो? फैन है उनके कि नहीं? उनके फैन है कि नहीं? बिल्कुल फैन है। देखा हुआ है उन्हें? हाँ जी बिल्कुल देख। जी तो नाज़रीन देखा कि आपने लोगों को किनको सपोर्ट किया, आपने भी देखा और हमने भी देखा। इसी के साथ अपने मेजबान वाजिद को इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।